ready चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले कार्बो को लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कार्बो के जेनरेशन के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बो के स्टेबिलिटी के बारे में साथ में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो के बारे में चलिए हेडिंग डाली यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बो के बारे में है ना देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बो के स्टेबिलिटी के बारे में कि अगर आपको यहाँ पे टू और मोर कार्बो कटाइन गिवेन है तो आप उनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालोगे तो हमारा टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कटाइन देखो जब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कटाइन के बारे में तो यहाँ पे ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होगा जो हमें फॉलो करना पड़ेगा ठीक है देखो होगा क्या जब हम यहाँ पे दो कार्बो के बीच के स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे होंगे तब हम देखेंगे कि आपका मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स काम करेगा और हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक कर दे इसका मतलब ऐसा हो सकता है अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट की बात मानो उसके अकॉर्डिंग ए ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी अगर आप दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात मानो उसके अकॉर्डिंग बी ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकते हैं तो ऐसे में हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का एक प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए वो आपके पास क्या होता है लिखो यहां पे बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है देखो सबसे पहले आपके पास टॉप प्रायोरिटी होती है बैक बॉन्डिंग की उसके बाद होती है क्वासी एरोमेटिसिटी की उसके बाद होती है नॉर्मल एरोमेटिसिटी की उसके बाद रेजोनेंस या फिर देन हाइपर लास्ट में इंडक्टिव इसका मतलब क्या है बैक बॉन्डिंग क्यू का मतलब क्या है क्वासी एरोमेटिसिटी ए का आपके पास मतलब क्या है नॉर्मल एरोमेटिसिटी आर का मतलब क्या है आपके पास रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक एच का मतलब क्या है हाइपर कंजुगेशन। और I का मतलब क्या इंडक्टिव तो आपके पास इंडक्टिव होता है लीस्ट प्रायरिटी का फिर भी मैंने नोटिस किया है लोग क्या करते हैं इंडक्टिव को सबसे पहले चेक करते हैं ठीक है यह आपको समझ आ गया जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं ठीक है मानो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल है मानो यहाँ पे सी एच टू पॉजिटिव है ओ है सी एच थ्री है यहाँ पे सी एच टू पॉजिटिव है एन एच है सी एच थ्री है अगर आपको यहाँ पे इन दोनों कार्बोकोटाइन के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो बच्चे क्या बोलते हैं ना बच्चे बोलते हैं भाई साहब जो आपका ऑक्सीजन होता है होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींचेगा माइनस आई लगाएगा फिर क्या बोलते हैं नाइट्रोजन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा माइनस आई लगाएगा फिर बच्चे क्या कहते हैं बच्चे कहते हैं कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसके पीछे का रीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका माइनस आई उतना ज्यादा अच्छा होगा और जो आपका माइनस आई इफेक्ट होता है यह आपको पता होगा क्या होता है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट होता है ठीक है और यहां पे होता क्या है ना आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी को घटाता है शायद मैंने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी है ना तो बच्चे क्या बोलेंगे कि देखो जिसका माइनस आई अच्छा होगा जैसे यहाँ पे माइनस आई अच्छा होगा जैसे यहाँ पे माइनस आई अच्छा होगा ओ सी एच थ्री का एज कम्पेयर टू एन एच सी एच थ्री रीज़न क्या है रीज़न ये है क्योंकि आपका ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन ठीक है तो बच्चे क्या बोलेंगे कि भाई साहब आपके पास ओ सी एस थ्री का माइनस आई बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू एन एच सी एस थ्री का माइनस आई जहाँ पर माइनस आई ज़्यादा होगा क्योंकि आपका माइनस आई एक इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट है जहाँ पे माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके कार्बो का का स्टेबिलिटी कम होगा तो आपके पास ओ सी एस थ्री में माइनस आई ज़्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कार्बो का कम स्टेबल आपके पास एन एच सी एस थ्री में माइनस आई कम है उसके करस्पॉन्डिंग कार्बो का टाइम थोड़ा ज्यादा स्टेबल तो यहाँ पे आपके पास माइनस आई के अकॉर्डिंग जो कार्बो का टाइम स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा क्या आ जाएगा आप बोलोगे जो आपके पास स्टेबिलिटी होगा वो आपके बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए क्योंकि आप क्या कहोगे जो आपके पास बी है उसमें माइनस आई वीक है तो इसलिए कार्बो का टाइम ज्यादा स्टेबल होगा और ए में माइनस आई अच्छा है तो कार्बोकटाइन कम स्टेबल होगा ये करके आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को आप बोलोगे क्यों सारी बातें तो लॉजिकल लग रही थी मैं बोलूंगा एकदम सही आपकी सारी बातें लॉजिकल थी लेकिन फिर आपने वही गलती की जिसकी मैं बात कर रहा था सबसे पहले इंडक्टिव को क्यों देखा जबकि उसका सबसे कम प्रायरिटी है आप एक चीज देखो मैंने आपको बैक बॉन्डिंग सिखाया था बैक बॉन्डिंग का पहचान क्या है आपके पास एक्सेप्टर होना चाहिए आपके पास डोनर होना चाहिए कार्बो कटाइन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है काम करेगा एक्सेप्टर का यहां भी एक्सेप्टर का ऑक्सीजन के पास लोन पैर है काम करेगा डोनर का यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पैर है काम करेगा डोनर का तो यहां पे आपके पास बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है तो आपको यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि आपका बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा देखो आपका बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम देखो चक्कर क्या है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है लेकिन जब मैं बात करता हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज कैसा होता है अनस्टेबल होता है तो मुझे एक बात बताओ जनरली दुनिया में हर स्पीशी चाहता है स्टेबिलिटी को अटेन करना तो आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना नहीं चाहेगा लेकिन आपके लेस इलेक्ट्रॉनिगेटिव आइटम पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करना चाहेगा इसीलिए आपका बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है ये आपका होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखो आपके पास एक केस में डोनर साइट ऑक्सीजन है एक केस में डोनर साइट नाइट्रोजन है तो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नाइट्रोजन तो यहाँ पे बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होगा एन एच सी एस थ्री एज कंपेयर टू ओ सी एस थ्री क्या बात सही है यहाँ पे आपका बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा एनएच सी एस थ्री एज कंपेयर टू ओ सी एस थ्री बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहां पे आप क्या देखोगे यहां पे आप बैक बॉन्डिंग देखोगे या फिर कह सकते हो प्लस देखोगे, बात एक ही है। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं ठीक है थीके? तो आप क्या बोलोगे देखो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से क्या होगा यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन का अच्छा डोनेशन हो पाएगा बी में एज कंपेयर टू ए तो आपके पास अच्छा बैक बॉन्डिंग कहां पे है बी में क्योंकि वहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है जहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा वहाँ पे कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी अच्छा होगा है ना तो जो आपका कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी है यह आपका डिपेंड करेगा बैक बॉन्डिंग के ऊपर और आपका बैक बॉन्डिंग डिपेंड करेगा ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के ऊपर कि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ पे हो पाएंगे और वो आपके पास हो पाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के केस में तो यहाँ पे आपके पास कार्बो स्टेबिलिटी ज़्यादा कौन से केस में हो पाएगा ये आपके पास ज़्यादा हो जाएगा इन द केस ऑफ एन एच सी एस थ्री एज कम्पेयर टू ओ सी एस थ्री समझ आया इसका मतलब क्या हुआ आपका बी वाला कार्बो का ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए आप बोलोगे भाई साहब देखो पहले भी तो यही आया था मैं बोलूंगा इतफाक है इतफाक से आपका इंडक्टिव और बैक बॉन्डिंग सेम आंसर दे रहा है बच गए आप लेकिन ये इतफाक बार बार नहीं होगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड आना चाहिए जैसे देखो मेंस में इसके ऊपर एक फेमस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है देखो वो ना आपको ऐसा देगा इसको यहां देखो ठीक है देखो वो ना क्या बोलेगा यहां पे हेट्रो एटम है एक बार पॉजिटिव यहां पे देगा एक बार पॉजिटिव यहां पे देगा और एक बार पॉजिटिव यहां पे देगा बोलेगा अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बो कटाइन स्टेबिलिटी अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी तो आप मुझे बताओ यार देखो यहां पे आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम करेगा समझो देखो ये जो आपका बैक बॉन्डिंग होता है ये तभी काम करता है जब आपका डोनर एक्सेप्टर आस पास है आजू बाजू है ठीक है जैसे देखो यहाँ पे आपका डोनर एक्सेप्टर आजू बाजू है तो आपका बैक बॉन्डिंग काम कर जाएगा लेकिन यहाँ पे दूर हो गया यहाँ पे बैक बॉन्डिंग काम नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे माइनस आई काम करेगा यहाँ पे भी माइनस आई काम करेगा देखो कभी भी आपको कंपेरिजन करना हो इंडक्टिव इफेक्ट का कभी भी आपको कंपेरिजन करना हो ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे हम डी रूल लगा देते हैं या डी एन कंसेप्ट लगा देते हैं ठीक है सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस उसके बाद देखेंगे नंबर उसके बाद देखेंगे पावर सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं उसके बाद हम नंबर देखते हैं सबसे लास्ट में हम पावर देखते हैं ठीक है तो आप एक चीज देखो आपका माइनस है क्या करेगा कार्बोकटाइन कर के स्टेबिलिटी को घटाएगा ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट है जबकि आपका बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ठीक है तो ये तो आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बैक बॉन्डिंग तो आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास ए होगा लेकिन अगर आपको बाकी दोनों में कंपेयर करना है कैसे करोगे देखो आपका माइनस आई यहां पे स्टेबिलिटी को घटाएगा तो जहां पे माइनस आई ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी कम होगा और जहां पे माइनस आई कम होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो कहां पे माइनस आई ज़्यादा है कहां पे माइनस आई कम है मुझे कैसे पता चलेगा हम लगाएंगे डीएनपी रूल देखो आपको देखना है यहां पे माइनस आई कौन लगा रहा है ऑक्सीजन और यहां पे इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है कार्बो कटाइन आपको उनके बीच का डिस्टेंस देखना है देखो आपको दिख रहा है बी वाले केस में जो माइनस आई लगा रहा है और जो कार्बो कटाइन है उसके बीच का डिस्टेंस कम है इसका मतलब यहां पर ज़्यादा माइनस आई लगेगा लेकिन देखो सी में आपके पास जो माइनस आई लगा रहे है और जो कार्बो का है उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे आपके पास कम माइनस आई लगेगा बात समझ आई जहाँ पे माइनस आई कम वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा जहाँ पे माइनस आई ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम तो आपका सी हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल क्योंकि वहाँ पर कम माइनस आई है और उसके बाद बी आएगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा माइनस आई है मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हो स्टेबिलिटी का तो ऐसे आपके पास बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है थीके? इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब देखो यहाँ पे आपके पास और भी बेसिक लेवल पे कंपैरिजन हो जाता है ठीक है अब वो बेसिक लेवल पे कंपैरिजन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ ठीक है मानो कुछ ऐसा दे दे आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कार्बो का है और मानो आपको यहां पे दे दे यहां पे आपके पास ऐसा कुछ कार्बो है और मानो यहां पे आपके पास ऐसा कुछ कार्बो है ठीक है अगर आपको तीनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है पता है क्या होगा आप ना क्वेश्चन देखते ही बोलोगे भाई साहब आपका लास्ट वाला कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है ऐसा आप कहोगे क्योंकि आपको ऐसा फीलिंग आएगा जबकि ऐसे कॉन्सेप्ट काम नहीं करता देखो यहाँ पे आपका इफेक्ट क्या है यहाँ पे पैक पॉन्डिंग काम कर रहा है ठीक है यहाँ पे देखो क्या है साइक्लिक सिस्टम है प्लेनर है कंजुगेटेड है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन मतलब है फॉलो करता है, हकल पाई को, इसका मतलब है जिस एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिसिटी के पीछे चार्ज है, उसको बोलते हैं है। और यहां पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपके फिनाइल रिंग का तीन प्लस आर कह सकते हो या फिर प्लस एम कह सकते हो काम कर रहे हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट का उसमें सबसे पहले आपके पास आता है बैक बॉन्डिंग उसके बाद आता है क्वासी आरोमैटसिटी उसके बाद आता है एरो उसके बाद आता है रेजोनेंस देन हाइपर देन इंडक्टिव सबसे आगे ए आएगा क्योंकि बैक बॉन्डिंग है उसके बाद बी आएगा बिकॉज क्वासी एरोमेटिक उसके बाद सी आएगा बिकॉज यहाँ पे तीन तीन फिनाइल दिन का रेजोनेंस काम कर रहा है रेजोनेंस यहां पे पीछे आता है देखो इसके अलावा आपके पास कुछ स्टैंडर्ड केस है जो कि आपको डायरेक्टली याद ही करने पड़ेंगे कभी भी आपके पास कंपैरिजन हो बेंजाइलिक टाइन और इसके बीच में या फिर कभी भी आपके पास कंपैरिजन हो बेंजाइलिक कार्बो और किसके बीच में बताओ यहाँ पे इथाइल डाल दो एक मिथाइल की जगह बाकी सब कॉपी पेस्ट इसके बीच में देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है ना ये जो मैंने ऊपर वाले दो कार्बो लिखे लिखे उसमें आपका थ्री डिग्री कार्बोकोटाइन जीतता है लेकिन नीचे वाले में आपका बेंजाइलिक जीतता है ठीक है एक्चुअल देखो ऊपर वाले में भी आपके दोनों के बीच के जो स्टेबिलिटी में डिफरेंस है काफ़ी कम होता है ठीक है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाला इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो यहाँ पर आपका तीन तीन मिथाइल का प्लस आई काम करता है और यहाँ पर आपके नौ नौ एल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन काम करता है ठीक है जनरली लोग कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी में हाइपर कंजुगेशन को इग्नोर करते हैं देखो यहाँ पे आपको पता है ना हाइपर कंजुगेशन में कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा एल्फा हाइड्रोजन ये आपका कार्बो कटाइन है जो भी कार्बन कार्बोकटाइन से डायरेक्टली अटैच है उसको बोलेंगे एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बोलेंगे एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपका नौ एल्फा हाइड्रोजन है नौ एल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन काम करेगा क्योंकि यहाँ पे तीन मिथाइल का प्लस आई no है और नौ एल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है ये यहाँ पे रेजोनेंस से जीत जाता है आपके पास बेंसाइलिक कार्बोकटाइन में रेजोनेंस काम करता है लेकिन यहाँ पे तीन तीन मिथाइल का प्लस आई और नौ अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन इसको जिता देता है बेंजाइलिक के कंपैरिजन में लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ यहाँ पे आपका तीन प्लस आई तो है दो प्लस आई मिथाइल का एक प्लस आई इथाइल का वो तो है लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या हुआ आपका अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया पहले वहाँ पे नौ अल्फा हाइड्रोजन था क्योंकि ये अल्फा कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन अभी यहाँ पे आपके पास केवल आठ अल्फा हाइड्रोजन है तो जब एक अल्फ़ा हाइड्रोजन कम हो गया आपको लग रहा होगा बहुत छोटा सा चेंज है ऐसा नहीं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तो आपके पास एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कम हो गया तो इसलिए इस केस में इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा आपका बेंजाइलिक जीत जाएगा ये आप डायरेक्टली याद रखो तो फ़ायदे में रहोगे ठीक है ये बात आपको समझ आई तो ये आपका बेसिक केस था स्टेबिलिटी के ऊपर इसके अलावा स्टेबिलिटी में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कुछ देखो आपके पास बेसिक कंपैरिजन पूछ सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सब पूछ लेता है मेज में काफ़ी आसान होता है वैसे तो देखो क्या मैं बता रहा हूँ आपको जैसे देखो यहाँ पे आपके पास एक बार लगा देगा नाइट्रो एक बार मानो यहाँ पर लगा देगा क्लोरो एक बार यहां पे लगा देगा मिथाइल और एक बार लगाएगा कुछ नहीं या मान लो एक बार लगा देगा यहां पे, और मान लो एनएसटू लगा दिया और एक बार मान लो कुछ नहीं लगाया ये आपके पास पांच कार्बो का टाइम दे दिए बोला कि स्टेबिलिटी में अरेंज करो काफी आसान है देखो यह खाली आपको इफेक्ट्स देखना है देखो बेंजीन रिंग सब में कॉमन है ठीक है इसका मतलब रेजोनेंस सब में कॉमन फैक्टर है सभी आपका बेनजाइलिक कार्बोकटाइन है कॉमन फैक्टर को नहीं देखना होता है ग्रुप्स का इफेक्ट देखना है नाइट्रो ग्रुप आपका लगाता है माइनस एम माइनस आई लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है मेजोमेरिक इसको देखेंगे क्लोरो देखो आपका लगाता है प्लस एम और माइनस आई लेकिन हेलोजन का स्पेशल केस होता है उसमें इंडक्टिव डोमिनेटिंग होता है मिथाइल आपका लगाएगा प्लस एच प्लस आई ज्यादा डोमिनेटिंग होता है हाइपर एन एच टू लगाएगा प्लस है माइनस आई ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है मेजोमेरिक और यहाँ पे नो इफेक्ट ठीक है देखो नाइट्रो आपका लगाता है माइनस एम क्योंकि इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ठीक है क्लोरो आपका लगाता है प्लस एम क्योंकि इसके पास लोन पेयर है देखो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है लेकिन नाइट्रोजन के पास ना सराउंडिंग में ऑक्सीजन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए ये इफेक्टिवली माइनस एम लगाता है ठीक है मिथाइल आपका लगाता है प्लस एच और एनएच के पास क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है यहाँ पे लगाएगा प्लस एम देखो एनओ और एन में फर्क क्या है एनओ में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एनएच में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, है फर्क ये है ना कि एनएच में आपके पास सराउंडिंग आइटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जबकि एनओ में आपके पास सराउंडिंग आइटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है अब देखो यहां पे आपका अगला स्टेप क्या होगा आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है देखो जो भी आपका नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा जो भी आपका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यह आपका दिखा रहा है माइनस है इसका मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप ये दिखा रहे हैं माइनस है इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप यह दिखा रहा है प्लस एच इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यह दिखा रहा है प्लस एम इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपको समझ आना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है यह आपके कार्बो की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है यह आपके कार्बो की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप होता है क्या करता है ये आपके कार्बो की स्टेबिलिटी को घटा देता है अब क्योंकि आपके पास सी और डी में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यह ज्यादा स्टेबल होगा उसके बाद आएगा नो इफेक्ट वाला और आपके पास लास्ट में आएगा ए और बी क्योंकि इसमें विद्रॉइंग ग्रुप है अब हमें रिलेटिव कंपैरिजन करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप में ज़्यादा अनस्टेबल कौन बनाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में देखो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या दिखा रहा है प्लस एम एक दिखा रहा है प्लस एच क्योंकि आपका प्लस एम होता है मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू प्लस एच इस वजह से क्या होगा ये जो आपका डी वाला कार्बो का है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा एज compared टू द कार्बोकटाइन सी देखो बात को समझो आपके पास सी और डी दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है लेकिन ज्यादा स्टेबल आपके पास डी होगा क्योंकि उसमें मेजोमेरिक काम कर रहा है इसमें हाइपर पर काम कर रहा है और आपका मेजोमेरिक ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप में बात करता हूं एक काम कर रहा है माइनस एम एक काम कर रहा है माइनस आई आपको समझ आना चाहिए माइनस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू माइनस आई अब देखो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप में कॉन्सेप्ट अलग है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा को घटाएगा जहाँ पे आपका माइनस एम लग रहा है वो वाला कार्बोकोटाइन सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट है और जो आपका माइनस आई लग रहा है वो आपका कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें कम इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट है ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो यहां पे आपके पास माइनस एम वाला हो जाएगा मोस्ट अनस्टेबल और माइनस आई वाला भी अनस्टेबल होगा लेकिन ये होगा लेस अनस्टेबल तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा देखो अगर मैं यहाँ पे ए और बी में कंपैरिजन करूँ तो आपका बी ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ए और एक तो आपको पता ही है बेसिक जो आपको बता रहा था सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा क्योंकि स्टेबलाइज करेगा उसके बाद नो no इफेक्ट उसके बाद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है डी ग्रेटर देन सी नो इफेक्ट क्या है ई e, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है बी ग्रेटर देन ए ये आपका आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ किवेन कार्पो कटैन तो ऐसे क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा देखो मुझे ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाना है एक आपके पास होता है ब्रेड रूल बेसिक समझ लो बस देखो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है ना देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल जो आपका ब्रिज हेड कार्बन होता है ना वो आपका कभी भी sp2 टू हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता जो आपका ब्रिज हेड कार्बन होता है वो आपका कभी भी एसपी टू नहीं हो सकता है तो मानो इसके ऊपर पॉजिटिव है तो अगर यहां पे आपके ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है अगर आपके ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है तो यहां पे आपका ब्रिज हेड कार्बन बन जाएगा sp2, टू जो कि क्या हो जाएगा वायलेशन ऑफ ब्रेड रूल इसीलिए ये आपका क्या हो जाता है मोस्ट अनस्टेबल कार्बो इतना अनस्टेबल कि एक्जिस्ट ही नहीं करेगा हो सकता है कि बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर जाए तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है लॉजिक क्लियर है आगे देखो आपके पास यहां पे कॉन्सेप्ट आता है डांसिंग रेजोनेंस का इसे देखो हम कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस और इसे हम कहते हैं बेंड बॉन्ड रेजोनेंस मैं इसके ऊपर एक घंटा का लेक्चर नहीं दूंगा ऑवियस ही बात है टाइम काफ़ी कम है मैं इसके ऊपर पाँच मिनट से भी कम समय दूंगा खाली काम की बात करेंगे देखो ये जो आपका फिनोमिना होता है डांसिंग रेजोनेंस का या फिर बेंड बॉन्ड रेजोनेंस का क्या होता है अब देखो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है डांसिंग रेजोनेंस का ये क्या होता है देखो सिंपल सा है ये फिनमिना होता है जो कि काम करता है साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन में ठीक है मैं किसकी बात कर रहा हूँ देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन देखो होता क्या है ना मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक फिनोमिना काम करता है इसका नाम होता है डांसिंग रेजोनेंस जिस वजह से क्या होता है ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे यहाँ पे यह आपका क्वासी आरोमेटिक है फिर भी ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे बात आपको समझ आ रहा है इनफैक्ट देखो यहाँ पे ये यह भी देखने को मिलता है ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बंजाइली कार्बोकोटैन से ठीक है इससे भी ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इसको दिमाग में रखना आपने और यहाँ पे एक और कंपैरिजन देखना हालांकि ये सब मेंस में नहीं आता टेंशन मत लो इसलिए मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूं ये जो होता है आपका ज्यादा स्टेबल हो जाता है इससे ठीक है ये सब क्यों होता है कैसे होता है कभी अगर एडवांस के क्लास पर डिटेल बात करेंगे अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए एक बार मैं आपको ब्रीफ लेवल पे फिन समझा देता हूँ लेकिन मैं आपको बार बार, बार बता रहा हूं वो फिनोमिना जो होता है वो कोई नहीं पूछेगा यार वो सब कहानी सुनने में अच्छी लगती है आपको पता है इस टॉपिक पे क्या होगा इस टॉपिक के ऊपर पहली बात मेंस में क्वेश्चन आने का संभावना काफ़ी कम है अगर आप ही गया ना ये जो मैंने लिखा है यही पूछेगा इसके अलावा नहीं पूछेगा अगर बहुत किस्मत खराब हो ये पूछ लेगा ठीक है इसके अलावा नहीं पूछेगा अगर इसके अलावा कुछ पूछता है ना वो क्वेश्चन आप वैसे भी नहीं कर पाओगे क्योंकि एक महीने के अंदर आपको दो साल का नहीं पढ़ाया जा सकता ठीक है प्रैक्टिकल सेंस में बात करते हैं देखो फिनोमिना होता है क्या है वो समझो यार देखो ये जो आपके पास होता है ना इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कटाइन ठीक है तो क्योंकि ये कार्बो है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ना सुनो जो थ्री मेंबर रिंग होता है ये आपका काफ़ी स्ट्रेन रिंग होता है काफी छोटा रिंग होता है तो यहाँ पे क्या होता है ना आपका जो बॉन्ड्स होता है बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है बॉन्ड्स बनता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से तो आपका बॉन्ड्स ना कुछ इस शेप में होता है कुछ बनाना शेप में होता है यार मैं दिखाऊँ क्या मानो इसका ऐसे एक ऑर्बिटल इसका ऐसे एक ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग है फिर इसका यहाँ पे ऐसे एक ऑर्बिटल इसका यहाँ पे ऐसे एक ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग है इसका यहाँ पे एक ऑर्बिटल इसका यहाँ पे एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है ऐसे शेप में होता है तो ऐसे में क्या होता है ना यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बर्स्ट हो जाता है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जिस वजह से क्या होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये इस फॉर्म में चल जाता है कैसे कि देखो आपको पता है जो आपका थ्री मेंबर रिंग होता है जो आपका थ्री मेंबर रिंग होता है बहुत अनस्टेबल होता है उसका क्लीवेज काफ़ी आसान होता है बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपके थ्री मेंबर रिंग में काफ़ी ज़्यादा एंगल स्टेन काम करता है तो यहाँ पे क्या होता है ना ये जो आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये आपके मोमेंट इसके वेकेंट ऑर्बिटल में बर्स्ट हो जाते हैं जैसे कि मानो गुब्बारा फूट गया ऐसा करने से यहां पे आपके पास क्या होता है पाए बॉन्ड बन जाता है यह बॉन्ड एसिटिस देखो यह बॉन्ड टूट गया इस कार्बन का नुकसान हुआ इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा सिमिलरली ये मॉलिक्यूल आपका कुछ ऐसे फॉर्म में भी एक्सिस्ट करता है ठीक है यह इन तीनों फॉर्म में एक्सिस्ट करता है समझ आया इस फिना को बोलता है डांसिंग रेजोनेंस ऐसा लगता है कि यह मॉलिक्यूल डांस कर रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली इन फॉर्म्स में इंटरकन्वर्ट होते रहता है ठीक है इसे हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कह देते हैं और इसे हम बेंड बॉन्ड रेजोनेंस भी कह देते हैं ठीक है देखो जैसा कि मैंने कहा ये आप पूछेगा ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं ना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि ज्यादा रेलिवेंट है मेन्स के लिए उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा वो टॉपिक अब चालू होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेन्स में गारंटीड आएगा वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कटाइन देखो आपके कार्बो कटाइन के पास ना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है यार कि वो खुद को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में कन्वर्ट कर लेता है अब देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक बेसिक कंडीशन होता है रीअरेंजमेंट का ऐसा नहीं जब मन किया रीअरेंजमेंट करा दिया बेसिक कंडीशन होता है वो आपके पास क्या होता है आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद द कार्बो का टैन ऑप्टेंड द कार्बो का टैन ऑप्टेंड शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन ऐसा रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद होना चाहिए रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद जो कार्बो आपको ऑप्टेन होगा वो आपके पुराने वाले कार्बो से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इसका तीन तरीका होता है मोस्ट कॉमन है शिफ्टिंग कंसेप्ट उसके बाद यहां पे है रिंग एक्सपेंशन उसके बाद यहां पे आपके पास है रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखना मैं आपको ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझाता हूँ देखो सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्टिंग के बारे में मानो हमारे पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल अवेलेबल है सी एच थ्री है सी है सी एच थ्री है सी एच थ्री है यहाँ पे देखो हमारे पास सी एच टू है ठीक है और देखो यहाँ पे हमारे पास ओ OH एच है इसके ऊपर मैं डालता हूँ एच पी आर देखो आपको पता है कि आपके ऑक्सीजन आइटम के पास दो लोन पेयर होते हैं मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का आपका ब्रोमीन आइटम हाइड्रोजन आइटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा यहाँ पर डेल नेगेटिव आएगा यहाँ पर डेल पॉजिटिव ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन में आपके पास एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसा करने से क्या होगा बहुत ध्यान से देखना यहाँ सी एच थ्री आएगा यहाँ C आएगा यहाँ सी एच थ्री आएगा यहाँ सी एच थ्री आएगा यहाँ सी एच टू आएगा यहाँ ओ एच टू आएगा ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन एटम ने अपने लोन पर डोनेट किए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा पानी बन के बाहर हो जाएगा ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा ये जो आपका कार्बोकटायन है यह आपका वन डिग्री कार्बोकटाइन है डिग्री ऑफ कार्बोकटाइन देखना आता है जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव उसका जो डिग्री होता है वो आपके डिग्री ऑफ कार्बोकटाइन होता है यह कार्बन आपका एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब ये वन डिग्री कार्बन है वन डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है इसका मतलब ये वन डिग्री कार्बोकटायन है ठीक है अच्छा यहाँ पे देखो जब ऑक्सीजन के लोन पे ने एच को कैच किया तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के बी के ऊपर आए ये बी आर माइनस गुड लिविंग ना कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी का बेसिक ऑर्डर दिमाग में रखना है आपके पास थ्री डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू तो टू डिग्री कार्बो कटाइन जो कि ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू तो वन डिग्री कार्बोकटाइन ऐसा क्यों होता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो मैं यहां समझाता हूँ आपको ये आपका थ्री डिग्री कार्बो कटाइन का है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू टू डिग्री कार्बो कटाइन का ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू वन डिग्री कार्बो कटाइन का ठीक है देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो क्या है मैं समझाऊँ? देखो यहाँ पे तीन तीन मिथाइल का प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे गिनोगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, है तीन मिथाइल का प्लस आई है नौ एल्फे हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है यहां पे देखो दो मिथाइल का प्लस आई है, आइए अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है यहां पे देखो एक मिथाइल का प्लस आई है, और यहां पे तीन एल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है समझ आ रहा है तो यहाँ पे तीन तीन मिथाइल का प्लस आई है नौ अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है मोस्ट स्टेबल ये हो जाएगा उसके बाद दो मिथाइल का प्लस आई है सिक्स अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है थोड़ा कम स्टेबल ये यह होगा यहां पे एक ही मिथाइल का प्लस आई है और तीन अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा दिमाग में आपको सेट होना चाहिए कभी मैं पूछू कार्बोकोटाइन स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर थ्री डिग्री इज मोर स्टेबल देन टू डिग्री इज मोर स्टेबल देन वन डिग्री कार्बोकोटाइन ठीक है ये आपको क्लियर होना चाहिए तो यहाँ पे देखो हमारे पास वन डिग्री कार्बोकटाइन बना जैसे ही आपके पास कार्बोकटाइन बनेगा याद रखना मेरी बात कोई भी, भी, भी रिएक्शन में कभी भी आपके पास कार्बोकटाइन बन जाए कोई भी रिएक्शन में कभी भी आपके पास कार्बोकटाइन बन जाए आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे कार्बोकटाइन के पास खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का वो खुद को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन में कन्वर्ट कर सकता है अब देखो यहां पे हम शिफ्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं देखो मुझे कैसे पता है शिफ्टिंग का इस्तेमाल करना है देखो बाकी दो तरीके है रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रेक्शन रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का तो पॉसिबिलिटी तभी बनेगा जब आपके पास रिंग अवेलेबल हो लेकिन यहां पे आपके पास रिंग अवेलेबल नहीं है ए साइक्लिक कंपाउंड है इसका मतलब ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज शिफ्टिंग कंसेप्ट मुझे बात बताओ क्या हो क्या हो अगर आप यहाँ पे वन टू मिथाइल शिफ्ट करो कहने का मतलब क्या है देखो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उसको वन बोलूंगा बाजू वाले कार्बन को टू बोलूंगा तो अगर मैं यहाँ पे सेकेंड पोजिशन से फर्स्ट पोजिशन में मिथाइल को शिफ्ट करूँ देखो जब मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट होगा ना तो ये कार्बन और कार्बन ये जो बॉन्ड है ना इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट होगा मैंने क्या कहा जब मिथाइल यहाँ पे सेकेंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट होगा तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ सी एस थ्री माइनस अब जब ये सी एस थ्री माइनस जाके इस कार्बन पे जुड़ेगा तो इस कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्योंकि ये मिथाइल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हुआ है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे कर रहे हैं वन टू मिथाइल शिफ्ट तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा देखो सी एच थ्री आएगा C आएगा सी एच थ्री आएगा यहाँ पे देखो सी एच टू आएगा और यहाँ पे देखो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा देखो सी एच थ्री आएगा क्योंकि शिफ्ट किया ये इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा

तो अगर आपका रीअरेंजमेंट के बाद वाला कार्बोकाटाइन रीअरेंजमेंट के पहले वाले कार्बो कटाइन से ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब आपका रीअरेंजमेंट का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ये हो जाएगा लेकिन अगर बाई चांस ये कम स्टेबल होता तो नहीं होता ठीक है बार बार बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यही सीखने वाली चीज है रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद जो कार्बो कटाइन बनेगा पुराने वाले कार्बो कटाइन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ये आपका मोस्टेबल कार्बो काटाइन है इसके ऊपर क्या होगा ये जो आपका बी आर माइनस लीव किया था इसका अटैक हो जाएगा आपको पता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल है ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट में ब्रोमाइड बन जाएगा बना देता हूँ मैं देखो सी एस थ्री आएगा यहाँ पे सी आएगा इसके पास एक सी एस थ्री है इसके पास बी आर आ जाएगा यहाँ पे सी एस टू सी एस थ्री ये प्रोडक्ट आपका है समझ आया देखो अगर आपको ये रिएक्शन समझ नहीं भी आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है धीमे धीमे सीख ही जाओगे मैं इतने बार दिखाऊंगा आपको सीखना ही पड़ेगा मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा इम्पॉर्टेंट बात जो आपको आज सीखना है ना वो ये है ये हमारे आज का थीम है हमारा आज का थीम ये है ये सीख कर ना तो मज़ा आ जाएगा देखो सेकेंड थीम का बात करते हैं इसी में मानो कुछ ऐसा केस हो सी हो सी एच टू हो ठीक है और क्या मानोगे आप है ना तो यहां पे आपके पास सी एच टू हो यहाँ पे आपके पास आ, मान लेते हैं ओ OH एच है, वापस आपने यहां पे डाल दिया एच बी आर अब आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या होगा देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है ब्रोमीन आटम का ज़्यादा होता है टू हाइड्रोजन आइटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन में आरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के बी के ऊपर आ जाएंगे लीव कर जाएगा बी माइनस के फॉर्मेट में क्योंकि आपका बी आर माइनस होता है गुड लिविंग ग्रुप ऐसा करने से आपके पास यहां पे कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा अब देखो ये जो आपका कार्बो कटाइन है डिग्री है, मुझे कैसे पता वन डिग्री कार्बो है क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका वन डिग्री कार्बन है वो आपका एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे है। जैसे ही कार्बोकटाइन बिना दिमाग में आपके आना चाहिए क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है देखो आपको दिख रहा है ए साइक्लिक कंपाउंड है इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रेक्शन हो नहीं पाएगा शिफ्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा अगर देखो आप यहाँ पे शिफ्टिंग का सहारा लो अगर आप यहाँ पे शिफ्टिंग का सहारा देखो कॉन्सेप्ट क्या बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सी एच टू को लिखूंगा सी एच एच आपको दिख रहा है ये जो आपके पास कंपाउंड है ये आपके पास ए साइक्लिक कंपाउंड है रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे हम शिफ्टिंग का सहारा ले सकते हैं और आपको पता है शिफ्टिंग हमेशा वन टू शिफ्ट होता है और आपको पता है हमेशा one, शिफ्टिंग हमेशा वन टू शिफ्ट होता है शिफ्टिंग हमेशा वन टू शिफ्ट होता है तो देखो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उसको वन बोलूंगा बाजू वाले को टू बोलूंगा तो हमें सेकेंड पोजिशन से कोई ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना है हमें सेकंड पोजीशन से कोई ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना है हमें सेकंड पोजीशन से कोई ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना है तो अगर मैं यहाँ पे कर दू वन टू राइट शिफ्ट अगर मैं यहाँ पे कर दू वन टू राइट शिफ्ट क्योंकि आपको पता है जब ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा सेकेंड पोजिशन से फर्स्ट पोजिशन पे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके करेगा हाइड्राइड के फॉर्म में करेगा तो ऐसा करने से क्या होगा देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा लेकिन इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा टू डिग्री कार्बोकटाइन और आपका टू डिग्री कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू वन डिग्री कार्बोकटाइन मैं बार बार बोल रहा हूँ रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद आपको स्टेबिलिटी चेक करना है अगर दोनों आइटम का डिग्री सेम हो तब आप चेक करते हैं बाकी इफेक्ट जैसे कि हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं ठीक है यहाँ पे ना सुनो बात मेरी रीअरेंजमेंट में हाइपर कंजुगेशन ही चेक करना इंडक्टिव चेक मत करना इंडक्टिव बहुत बार धोखा देगा हाइपर चेक करना हाइपर सही आंसर आता है ठीक है अब देखो यहाँ पर यह आपका मोस्ट एबल कार्बोकोटाइन बन गया उसके बाद जो लिविंग ग्रुप था आता है इसके ऊपर अटैक करता है आपका प्रोडक्ट बन जाता है कोई दिक्कत नहीं है आपके पास अब देखो इसी में ना आपके पास एक बहुत फेमस रिएक्शन का थीम आता है इसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन पिना कोलोन रीअरेंजमेंट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीआर नाम सुन के ऐसा मत सोचना मेंस में नहीं आता है मेंस में आ चुका है मेंस में आगे भी आएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे आपके पास थीम क्या होता है यहाँ पे जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है ना जो आपके पास रिएक्टेंट होता है ना वो आपके पास विसनल डायोल होता है जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है जो आपके पास रिएक्टेंट होता है क्या होता है विसनल डायोल होता है अब देखो ये विसनल डाओल का मतलब क्या है देखो डायोल का मतलब है आपके पास दो ओवच oh होंगे विसनल का मतलब क्या है वो वो आपके आजू बाजू पोजिशन पर लगे होंगे देखो दो कॉन्सेप्ट होता है एक होता है वेसनल कंसेप्ट एक होता है जेमिनल कंसेप्ट जब आपके आजू बाजू दो ग्रुप लगे हो जब आपके आजू बाजू दो ग्रुप लगे हो उसको बोलते वेसनल कंसेप्ट जब आपके एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे हो उसको बोलते हैं जेमिनल कंसेप्ट यहाँ पे आपके आजू बाजू लगे हैं ओ एच इसको बोलेंगे वेसनल कंसेप्ट ठीक है मानो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने एच प्लस डाल दिया ठीक है तो ऐसा करने से क्या होगा देखो आपको पता है ऑक्सीजन आइटम के पास लोन पेर है तब से बता रहा हूं ऑक्सीजन आटम के पास लोन लोनपैर है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है काम करेगा न्यूक्लियो का एच प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन में आरो चलता है न्यूक्लियो से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से क्या होगा देखो कुछ नहीं खाली आपको बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म आता है सब सीख जाओगे अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को कैच किया ओ एच टू आया ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा आगे क्या बोलोगे जो मैं तब से बार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है बहुत तेजी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करके पानी बन के बाहर हो जाएगा ऐसा करने से आपके पास यहां पे कार्बो बनेगा ये जो आपका कार्बो है ये जो आपका कार्बो है ये आपका टू डिग्री कार्बो है जैसे ही आपके पास कार्बो बनता है आपके दिमाग में रीअरेंजमेंट आना चाहिए देखो जैसे ही आपके पास कार्बो कटाइन बनता है आपके दिमाग में रीअरेंजमेंट आना चाहिए जैसे ही आपके पास कार्बो कटाइन बनता है आपके दिमाग में रीअरेंजमेंट आना चाहिए ठीक है तो देखो यहाँ पे आपके पास कार्बो कटाइन बना है तो आप चेक करोगे क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास ऐसा कुछ कार्बो बना है जो कि आपका टू डिग्री कार्बो है मैं बोलता हूँ एक बार एक बात मानो मेरी एक बार यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा के देखो आपको पता है यहाँ पे वैसे तो हमारे पास रीअरेंजमेंट के तीन रास्ते होते हैं शिफ्टिंग भी, है, भी होता है रिंग एक्सपेंशन भी होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है लेकिन देखो यहाँ पे ना आपके पास शिफ्टिंग का ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है मेरी एक बात मानो आप ना यहाँ पे वन टू मिथाइल शिफ्ट करा के देखो ठीक है तो इसको वन मानते हैं इसको टू मानते हैं और यहाँ पे ना अगर हम मिथाइल शिफ्ट कराते हैं तो क्या होगा हम यहाँ पे वन टू मिथाइल शिफ्ट करा रहे हैं आपको पता है जो मिथाइल शिफ्ट करेगा ना वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट करेगा तो देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके मिथाइल शिफ्ट करेगा सी एस थ्री माइनस के फॉर्मेट में यहाँ पे अटैक करेगा इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलाए तो ऐसा करने से आपके पास क्या आ रहा है है ना। तो देखो यहाँ पे तीन मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा अब आपको देखने में ऐसा लग रहा है ना आपको आपको देखने देखने में में क्या लग आपको देखने में लग रहा रहा है है भाई साहब ये हमारे पास टू डिग्री कार्बो का टैन था क्योंकि टू डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था ये हमारा वन डिग्री कार्बो का टैन है क्योंकि वन डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ओ एच यहाँ पे माइनस आई दिखा रहा है तो ये सबसे खराब है ये आपका बहुत अनस्टेबल है और मैंने क्या बोला था रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद जो कार्बो का बनेगा वो पुराने वाले कार्बो का से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा ये कम स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा लेकिन आप गलत हो क्योंकि आप एक चीज़ नहीं देख पा रहे हो जिसको बार बार आप भूल जाते हो देखो बार बार होता क्या है ना आप इंडक्टिव देखते रहते हो और कुछ देखते ही नहीं हो और मैं आपको बार बार उन्हीं फिनोमिना को याद दिला रहा हूं कि इसको भूल मत जाना इसको बच्चे भूल जाते हैं वो है बैक बॉन्डिंग या इसे प्लस एम कह दो भाई प्लस एम काम करेगा ना यहां पे यहां पे प्लस एम काम करेगा डोनर एक्सेप्टर आजू बाजू डोनर एक्सेप्टर आजू बाजू प्लस एम बोल लो बैक बॉन्डिंग लो बात एक ही है तो इसीलिए यहां पे पुराने वाले कार्बो कटाइन में काम कर रहा था प्लस आई काम कर रहा था प्लस एच लेकिन यहां पे डायरेक्टली काम कर रहा है बैक बॉन्डिंग और आपको पता है बैक बॉन्डिंग मोस्ट पावरफुल फिनोमिना है तो ये आपका कार्बोकटाइन पुराने वाले कार्बो कटाइन से ज्यादा स्टेबल है और रीअरेंजमेंट का बेसिक कंडीशन होता है आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट द कार्बोकटाइन ऑफटेन शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन ये यहां पे सेटिसफाई हो रहा है इसका मतलब यह आपका ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो जाएगा अब देखो आपको पता है कि यहां पे आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट कटाइन बनने का पॉसिबिलिटी है तो यहां पे क्या होगा देखो एक्सेप्टर है डोनर है तो डोनर अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा या कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देगा तो ऐसा करने से यहां पे आपके पास क्या होगा देखो ये सी आएगा ठीक है ये कार्बन आएगा ओ एच को ऊपर दिखा रहा हूं ठीक है अब देखो क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए कार्बन को इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन ने पहले से एक बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बाकी ग्रुप्स को एज इट इज लगा दो तो। अब देखो जो आपका काउंटर आयन था काउंटर आयन मतलब देखो ये जो आपका एचप्लेस होगा ये आपका जब आएगा इसके साथ कुछ ना कुछ काउंटर आयन आएगा इसके साथ कुछ ना कुछ काउंटर आयन आएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एच टू एस ओ फोर डालोगे तो आपके एच प्लस का काउंटर आयन होगा एच एस ओ फोर माइनस आयन अगर आप यहाँ पे एच बी आर डालोगे तो काउंटर आयन होगा बी आर माइनस ठीक है जो भी आपका काउंटर आयन होगा ना वो काम करेगा न्यूक्लियर फाइल का अभी के लिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एच टू एस ओ फोर डाला होगा तो आपका एच प्लस का काउंटर आयन होता है एच एस ओ फोर माइनस आयन है कि नहीं नहीं समझ आ रहा है भाई हुआ क्या होगा ये जो आपका एच टू एस ओ फोर होगा टूटा होगा ना कहाँ दिखाऊं मैं जगह ही नहीं है देखो आपका एच टू एस ओ फोर टूटा होगा एच प्लस में और एच एस ओ फोर माइनस में तो आपका एच एस ओ फोर माइनस काम करेगा काउंटर आयन का तो यहां पे आपके पास क्या होगा जो आपका एच एस ओ फोर माइनस आयन आएगा वो यहाँ पे क्या करेगा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा लेकिन आप बोलोगे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया मैं बोलूँगा अभी आपको सब समझाता हूँ रुको देखो मैंने आपको बोला था एक कॉन्सेप्ट होता है मैंने आपको बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक में एक एटम नॉर्मली जितने बॉन्ड बनाता है ना जब उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाए तब उसके ऊपर आने वाला चार्ज फॉर्मल चार्ज होता है ऑक्सीजन आपका नॉर्मली बनाता है दो बॉन्ड यहाँ पे तीन बॉन्ड बना रहे हैं इसका मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर वो आपका फॉर्मल चार्ज है रियल चार्ज नहीं है तो जब आपके एटम के पास फॉर्मल चार्ज होता है तब वो काम नहीं करता इलेक्ट्रोफाइल का कहने का मतलब क्या है भले ही आपके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है देखो ना उसके पास पहले दो लोन पेयर थे एक लोन पेयर को डोनेट किया इसके पास एक लोन पेयर तो अभी भी बचा है तीन बॉन्ड बना रहे इसका मतलब छह इलेक्ट्रॉन है एक लोन पेयर बचा है इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन है टोटल आठ इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऐसे में क्या होता है ना ऐसे में हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाता है ऐसे में हम क्या कहते हैं ऐसे में हम कहते हैं कि हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है तो ये हमारे पास क्या करेगा ये हमारे पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपने तरफ खींचेगा ये हमारे पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपने तरफ खींचेगा जिस वजह से क्या होगा जिस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का मेरी बात को समझो वापस बता रहा हूं भले ही हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये काम नहीं करेगा इलेक्ट्रोफाइल का क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया ये पागल हो जाएगा बहुत तेजी से सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये जो ओ एच बॉन्ड के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको ये ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर काफी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा जिस वजह से आपका हाइड्रोजन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन में आरू चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल एच एस फोर माइनस आके एच प्लस को ले लेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऐसा करने से आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे ये आएगा इन शॉर्ट यहाँ पे H+ निकलेगा ठीक है ये आपका प्रोडक्ट है और ये जो आपने रिएक्शन किया है ये जो आपने रिएक्शन किया है इसी को बोलते हैं पिना कोल पिना कोलोन रीअरेंजमेंट ये जो हमारा कंपाउंड था पिनाकोल टाइप का था ये जो हमारा प्रोडक्ट है पिना कोलोन टाइप का इसको बोलते हैं पिना कोल पिना कोलोन रीअरेंजमेंट बताओ समझ आया क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी अगर आपको नहीं समझ आया मैं आपको थीम बदल के समझाता हूँ देखो मानो यहाँ पे एक्सैंपल नंबर टू की बात करते हैं इसी में अब जैसे मानो आपको ऐसा कुछ दे दिया ठीक है यहाँ पे ओ दे दिया ठीक है और यहाँ पे ना आपके पास सी दे दिया ठीक है ऐसा कुछ आपको दे दिया और यहाँ पे क्या किया देखो यहाँ पे इसने डाला एल सी एल थ्री लुइस एसेड डाल दिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा बात को समझना ध्यान से क्या होगा देखो आपका ए एल सी एल थ्री लूइस एसिड है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का क्लोरीन आइटम के पास लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन में आपका एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसा करने से यहाँ पर क्या होगा देखो सी एस थ्री आएगा कार्बन आएगा सी एस थ्री आएगा यहाँ पे फिर देखो ओ एच आएगा यहाँ पे कार्बन आएगा यहाँ पे सी एस थ्री आएगा यहाँ पे सी एस थ्री आएगा यहाँ पे सी एल आएगा यहाँ पे एल सी एल थ्री आएगा क्लोरीन ने अपना लोन पे डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ए एल सी एल थ्री पहले न्यूट्रल था बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन ने खाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा तो यहाँ पे आपके पास कार्बो कटाइन का फॉर्मेशन होगा आप मेरी बात समझो क्या आप यहां पे थीम को पहचान पा रहे हो अगर आपने थीम को पहचाना आप बोलोगे जो पुराना वाला रिएक्शन था जो ये रिएक्शन था दोनों एक ही थीम पे बेस्ड है दोनों एक ही कंसेप्ट है लेकिन अगर आपने थीम को नहीं पहचाना आप बोलोगे दोनों अलग अलग हो आप क्या बोलोगे दोनों अलग अलग है बात समझ पा रहे हो कि नहीं एक चीज देखो पुराने वाले केस में हमारे पास थीम क्या था यहां पे ओ OH था एच प्लस था मैंने आपको जनरेशन ऑफ कार्बो काटाइन में अच्छे से समझाया था यहां पे ओ OH एच और एच प्लस लो तो भी आपका कार्बो काटाइन बनता है यहां पे हैलोजन और लुइस एसिड लो तो भी आपका कार्बो काटाइन बनता है दोनों आपका एक ही थीम है यहां पे भी आपके पास टू डिग्री कार्बो कटाइन का बन गया आगे देखो आपका सेम कहानी रिपीट हो जाएगा कैसे कि देखो ये आपके पास कार्बो है आपके कार्बो के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का कि आपका कार्बो खुद को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बो में कन्वर्ट कर सकता है बात समझ आ रहा है अब देखो यहाँ पे आपके पास ए साइक्लिक कंपाउंड रीअरेंजमेंट का एकमात्र तरीका शिफ्टिंग है आप यहाँ पर क्या करोगे आप यहाँ पे करा दोगे वन टू मिथाइल शिफ्ट अगर आप देखो यहाँ पे वन टू मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो ऐसा करने से क्या होगा अब तक आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे सी एस थ्री आएगा यहाँ पे कार्बन आएगा यहाँ पे ओ OH एच आएगा है ना यहाँ पे कार्बन आएगा यहाँ पे सी एस थ्री यहाँ पे सी एस थ्री यहाँ पे सी एस थ्री क्योंकि आपका मिथाइल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट किया यहाँ पे पॉजिटिव आएगा जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा आप चेक करोगे कि रीअरेंजमेंट के बाद जो आपके पास कार्बो बना है क्या वो रीअरेंजमेंट के पहले वाले कार्बो कटाइन से ज़्यादा स्टेबल है रीअरेंजमेंट के पहले आपके पास कार्बो कार्बोकाटाइन टू डिग्री था रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास कार्बोका टाइन वन डिग्री है देखने में ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी घटा है लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ है क्यों क्योंकि आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है तो ये यह यहाँ पे बैक बॉन्डिंग दिखाएगा इसका मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है पुराने वाले से इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो अब देखो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तब यहाँ पे क्या बनेगा तब यहाँ पे आपके पास बनेगा सी एस थ्री आएगा सी आएगा ऑक्सीजन लोन पर दी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ठीक है अब क्योंकि ऑक्सीजन लोन पर दी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन आएगा सी एस थ्री आएगा सी एस थ्री आएगा सी एस थ्री आएगा आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं H प्लस को बाहर कर देते हैं ये आपका हो गया पिना कोल पिना कोलोन री मुझे बताओ क्या आपको पिना कोल पिना कोलोन रीअरेंजमेंट समझ आया अब देखो यहाँ पे आपका कहानी आसान चल रहा था क्योंकि आपका ग्रुप सेम था लेकिन अगर आपका यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट हो अगर आपका यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट हो तो आप कौन से ग्रुप का माइग्रेशन कराओगे कौन से ग्रुप का माइग्रेशन नहीं कराओगे इस बात को कैसे डिसाइड करोगे ठीक है तो उसके लिए आपके पास एक ऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ठीक है देखो बहुत बार आपको क्वेश्चन में ना कुछ डिफरेंट ही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड गिवन होता है अगर आपको क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड गिवन है तो आप उसको फॉलो कर लेना अगर कुछ नहीं गिवन है जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना ठीक है अगर आपको क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड गिवन है आपको उसी को फॉलो करना है अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है ठीक है एक बार जी एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था वहाँ पे उन्होंने खुद से एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दे दिया था ठीक है अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है वो इसका कोई लॉजिक नहीं है ठीक है एक्सपेरिमेंटल है बहुत सारे फैक्टर को देखने के बाद सबसे अच्छा आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है एच माइनस का उसके बाद होता है पी एच माइनस का उसके बाद आपका एल्काइल होता है एल्काइल में आपका बड़ा एल्काइल पहले माइग्रेट करेगा और छोटा एल्काइल बाद में माइग्रेट करेगा ठीक है जहाँ पे पीएच का मतलब फिनाइल है यह आपको दिमाग में रखना है तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे आपका दोनों ग्रुप सेम था मिथाइल था तो आपको माइग्रेशन में दिक्कत नहीं आया आपने किसी का करा दिया काम खत्म लेकिन अगर आपका यहाँ पे ग्रुप्स अलग अलग होता मानो एक होता हाइड्रोजन एक होता मिथाइल मानो एक होता मिथाइल एक होता फिनाइल या मानो एक होता फिनाइल एक होता मिथाइल उस केस में हम यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इस्तेमाल करके बताते कि कौन से ग्रुप का माइग्रेशन होगा कौन से ग्रुप का माइग्रेशन नहीं होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ इसी थीम के ऊपर ठीक है फिर इस थीम से बाहर निकलेंगे लेकिन देखो आपका मोस्ट कॉमन थीम इसका है वेस्टनल डायोल ठीक है बाकी कोई भी थीम उसने मैंने आपको बता दिया अब देखो यहाँ पे क्या होगा यहां पे अगर आप डालोगे H प्लस डाल दिया मानो आपने तो यहाँ पे देखो क्या होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को कैच करेगा आपको पता है क्यों तो यहाँ पे आपका प्रोटोनेशन हो जाएगा अल्कोहल का ऐसा करने से यहां पे क्या बनेगा देखो क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को कैच किया ये कन्वर्ट हो जाएगा ओ में ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से खुद के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करके पानी बन के बाहर हो जाएगा यहाँ पे आपके कार्बो का फॉर्मेशन हो जाएगा अब देखो ये जो आपका कार्बो है ये आपका वन डिग्री कार्बो है आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या होगा यहाँ पे आपके पास माइग्रेशन होगा शिफ्टिंग होगा क्योंकि शिफ्टिंग के बाद जो आपके पास कार्बो का बनेगा उसको बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी देगा यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है आप चाहो तो हाइड्रोजन को भी शिफ्ट करा सकते हो चाहे तो मिथाइल को भी शिफ्ट करा सकते हो लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइट तो यहाँ पे देखो क्या होगा वन टू ये हो जाएगा वन टू हाइड्राइट शिफ्ट देखो ऐसा करने से क्या होगा ये कार्बन आएगा ये ओ एच आएगा ये मिथाइल आएगा ठीक है इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा यहां पे कार्बन यहां पे मिथाइल यहां पे हाइड्रोजन यहां पे हाइड्रोजन आगे देखो क्या होगा ऑक्सीजन का लोन पर यहां पे अंदर आएगा क्योंकि यह बैक बॉन्डिंग काम कर रहा है ठीक है देखो आप रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद चेक कर लेना कि आपका बनने वाला कार्बोकोटाइन पुराने वाले कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल है कि नहीं इस केस में तो है तो यहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा ठीक है मैं एक स्टेप को जम्प कर रहा हूँ देखो यहाँ पे क्या होगा ना जब आप यहाँ पे लोन को अंदर लाओगे पहले यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा उसके बाद एच प्लस को बाहर करेंगे तो यहाँ पे जगह कम मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ एच प्लस को बाहर करने के बाद क्या बनेगा देखो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन ये आपका प्रोडक्ट होगा ठीक है आप कर लोगे मेरे ख्याल थीम समझ गए तो इतना केस काफ़ी है शिफ्टिंग में आगे देखो हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन के बारे में अब देखो हेडिंग डालो रिंग एक्सपेंशन सबसे पहली बात मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे आपके पास रिंग एक्सपेंशन होगा कहाँ पे आपके पास रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा इसका थीम ये है कि जब भी आपके रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा जब भी आपके रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा वो थीम आपका रिंग एक्सपेंशन का है आपको यहाँ पे रिंग स्टेबिलिटी का भी एक बेसिक लेवल पे ऑर्डर पता होना चाहिए क्योंकि रिंग एक्सपेंशन का पर्पस होता है मोर स्टेबल रिंग को फॉर्म करना सबसे स्टेबल होता है सिक्स मेम्बर्ड उसके बाद फाइव मेंबर्ड उसके बाद सेवन मेंबर्ड उसके बाद फोर मेंबर्ड उसके बाद थ्री मेम्बर्ड ना ज्यादा बड़ा रिंग स्टेबल है ना ज्यादा छोटा रिंग स्टेबल है ठीक है बात समझ आ गई इसका एग्जाम्पल उठाते हैं बहुत ध्यान से देखना मानो कुछ ऐसा केस है आपके पास ठीक है और ना यहाँ पे आपके पास ओ OH एच है आपने यहाँ पे डाल दिया एच अब तक तो आपको रट गया होगा कि आपका ब्रोमीन आइटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्सीजन आटम के पास लोन पेर है काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन मैरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल देखो ऐसा करने से यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल था तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे ओ एच टू आ जाएगा और आपका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके के बी आर लीव करेगा बी आर माइनस के फॉर्मेट में क्योंकि होता है गुड लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके खुद के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा यहाँ से पानी बाहर निकलेगा आपके पास कार्बो कटाइन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस प्रकार से आप देखो ये जो आपका कार्बो का बना है ये आपका डिग्री कार्बो का पता है कब आपके पास रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा जब आपके रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा यहाँ पे आपके पास रिंग एक्सपेंशन होगा अब देखो रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा ध्यान से देखो नंबरिंग कर लो वन टू थ्री फोर Five, six. अभी आपके पास है, है। जो कि ring expansion के बाद six member में convert हो सकता है. देखो पे पे क्या होगा ना? ये आपका bond का शिफ्ट कर जाएगा कहने का मतलब क्या है जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर सिक्स के बीच में था वो बॉन्ड रिंग एक्सपेंशन के बाद आपके पास कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर सिक्स के बीच में आ जाएगा क्या कहा मैंने जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर सिक्स के बीच में था वो बॉन्ड रिंग एक्सपेंशन के बाद आपके पास कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर सिक्स के बीच में आ जाएगा इस पूरे प्रोसेस में कार्बन नंबर टू का नुकसान हुआ यहाँ पे हम रिंग एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगा नंबरिंग जैसे मैं चाहे कर लो यहाँ वन डालो टू डालो थ्री डालो फोर फाइव सिक्स अब देखो पहले बॉन्ड था कार्बन नंबर टू एंड सिक्स के बीच में अब बॉन्ड बना कार्बन नंबर वन एंड सिक्स के बीच में टू का नुकसान वो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा वन के ऊपर मिथाइल आएगा ठीक है देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है अब देखो आपको चेक करना है कि क्या आपके पास कार्बो कटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ा अरेंजमेंट के स्टेप के बाद यह आपका टू डिग्री कार्बो कटाइन है ठीक है और पहले वाला भी टू डिग्री कार्बो कटाइन था तो देखने में लग रहा है स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा है लेकिन देखो बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे आपका रिंग फाइव मेंबर था ठीक है यहाँ पे आपका फाइव मेंबर रिंग था जबकि यहां पे आपका सिक्स मेंबर रिंग है तो आपका स्टेबिलिटी तो बढ़ा है इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो जाएगा अब देखो क्या इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है देखो इंपॉर्टेंट बात समझ लो रीअरेंजमेंट आपके पास मल्टीपल स्टेप में हो सकता है और कोई जरूरी नहीं है आपका एक ही टाइप का रीअरेंजमेंट रिपीट हो कहने का मतलब क्या है जैसे यहाँ पे पहले आपके पास रिंग एक्सपेंशन हुआ है तो पहली बात तो ऐसा नहीं कि आपका रीअरेंजमेंट एक ही स्टेप में होगा आपका रीअरेंजमेंट मल्टीपल स्टेप में हो सकता है कंडीशन बस एक है कि हर एक स्टेप के बाद जो आपके पास कार्बो बन रहा है वो पुराने वाले कार्बो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकेंड चीज क्या है देखो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ना हमारे पास पहले स्टेप में रिंग एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं सेकंड स्टेप में भी आपको रिंग एक्सपेंशन ही कराना है आप चाहो तो शिफ्टिंग भी करा सकते हो आप चाहो तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी करा सकते हो कुछ भी करा सकते हो कंडीशन बस एक है पुराने वाले कार्बो से ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए नया वाला कार्बो देखो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग करूंगा तो कार्बो का स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकता है आपको दिख रहा है यहाँ पे शिफ्टिंग होगा वन टू है ना तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो ग्रुप्स से, है सेकेंड पोजिशन पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव उसको वन बोला सेकंड पोजीशन पे दो ग्रुप है एक है हाइड्रोजन एक है मिथाइल आपको पता होना चाहिए जो आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है ना जो आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो आपके हाइड्रोजन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा वैसे भी देखो ना अगर आपने मिथाइल को शिफ्ट किया कोई फायदा होगा नहीं पहले भी टू डिग्री था अभी भी टू डिग्री रहेगा फायदा कब होगा जब यहाँ पे आप वन टू हाइड्राइट शिफ्ट करते हो अगर आप यहां पे वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करते हो क्या होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड फ्रॉम पोजिशन टू टू पोजिशन वन तो ऐसा करने से क्या होगा देखो ये आपका सिक्स मेंबर ड्रिंग हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन में यहां पे मिथाइल इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा देखो अभी भी आपके पास सिक्स मेंबर रिंग है पहले भी आपके पास सिक्स मेंबर रिंग था लेकिन फर्क है अब की बार आपके पास कार्बो काटाइन थ्री डिग्री कार्बो काटैन है आप चेक कर लो क्या ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बो काटाइन है हाँ जी है ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बो काटाइन बन गया एक बार आपका मोस्ट स्टेबल कार्बो काटाइन बन गया जो आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकला था वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ बन जाएगा क्लियर क्या आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया यह आपका रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट होता है देखो हम क्या करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ले नहीं पाएंगे हम ना यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन के ऊपर एक और एग्ज़ैम्पल लास्ट लेने का कोशिश करते हैं तो एग्ज़ाम्पल नंबर वन था एग्ज़ैम्पल नंबर टू की बात करते हैं ठीक है टाइम कम है अगर मेरे पास टाइम होता ना मैं आपको ऐसा पढ़ाता ना भाई मज़ा आ जाता आपको टाइम की कमी है और ज़्यादा लोग भी नहीं देखने वाले जैसे थोड़ा मोटिवेशन डाउन है लेकिन कोई बात नहीं देखो यह आपके पास है ठीक है इसके ऊपर आप डालते हो मानो एच अब देखो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बार बार सिखाना चाह रहा हूँ कि आपके ऑक्सीजन आइटम के पास लोन है काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींचेगा यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा हाइड्रोजन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन मैरू चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के बीआर के ऊपर आ जाएंगे लीव कर जाएगा बी माइनस के फॉर्मेट में क्योंकि आपका बी माइनस होता है गुड लीविंग ग्रुप ऐसा करने से क्या हुआ देखो आपके ऑक्सीजन के लोन पे ने एच को कैच किया उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास ओ आ जाएगा ऑक्सीजन ने अपना लोन पेट दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा यहाँ पे आपके पास पानी बाहर निकलेगा कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन होगा आपको पता है कार्बोकोटाइन के पास एक खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का कि कार्बोकोटाइन खुद को, को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन में कन्वर्ट हो सकता है कंडीशन बस एक है आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट द कार्बोकोटाइन ऑप्टेन शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन तीन तरीके शिफ्टिंग रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखो जब भी आपके पास रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो आपका रिंग एक्सपेंशन होगा देखो रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है रिंग एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी है एक बार में एक ही रिंग एक्सपैंड होगा मानो मैंने इस रिंग को एक्सपैंड किया तो यहां पे क्या होगा देखो नंबरिंग करते पहले वन टू तो, थ्री फोर फाइव तो आपका फोर मेंबर रिंग एक्सपेंशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा फाइव मेंबर रिंग में देखो मैं क्या बोलूंगा पहले आपके पास बॉन्ड था बिटवीन कार्बन नंबर टू एंड फाइव ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे अब आपके पास बॉन्ड आ जाएगा बिटवीन कार्बन नंबर वन एंड फाइव इसका मतलब जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर टू एंड फाइव के बीच में था वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर वन एंड फाइव के बीच में आ जाएगा ये आपका रिंग एक्सपेंशन हो गया तो यहाँ पे आपके पास फाइव मेंबर रिंग आ जाएगा अब एक चीज देखो अब देखो आपका जैसा मन चाहे यहाँ पे नंबरिंग दे दो फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव अब आप ध्यान से देखो पहले आपका बॉन्ड था कार्बन नंबर टू एंड फाइव के बीच में एक्सपेंशन के बाद आपका बॉन्ड बना कार्बन नंबर वन एंड फाइव के बीच में इस पूरे प्रोसेस में कार्बन नंबर टू का नुकसान हुआ उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और देखो कार्बन नंबर वन के ऊपर एक और फोर मेंबर्ड रिंग जुड़ा है कार्बन नंबर वन के ऊपर एक और फोर मेंबर्ड रिंग जुड़ा है कार्बन नंबर वन के ऊपर एक और फोर मेंबर्ड रिंग जुड़ा है सही बात है तो ऐसा करने से यहां पे आपके पास क्या होगा कार्बन नंबर वन के ऊपर एक फोर रिंग आ जाएगा ऐसा कुछ ठीक है आपको यहां पे समझ आया मैंने क्या किया कुछ नहीं किया देखो जब पानी बाहर निकला कार्बो का टैन बना मैंने यहां पे नंबरिंग किया वन टू थ्री फोर फाइव मैंने क्या बोला यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर टू एंड फाइव के बीच में था वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर वन एंड फाइव के बीच में बनेगा पूरे प्रोसेस में कार्बन नंबर टू का नुकसान होगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा मुझे पता था फोर मेंबर्ड एक्सपेंशन के बाद फाइव मेंबर्ड बनेगा मैंने फाइव मेंबर्ड बनाया रैंडम नंबरिंग किया पता था टू पे पॉजिटिव आएगा दिख रहा है वन पे फोर मेंबर ड्रिंग है वन पे फोर मेंबर ड्रिंग लगा दिया लेकिन मैंने क्या बोला आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा जो कार्बोकटाइन बना है वो पुराने वाले कार्बोकटाइन से ज्यादा स्टेबल है कि नहीं देखो पुराने वाले में आपके पास फोर रिंग था लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद वाले कार्बोकोटाइन में आपके पास फाइव रिंग है इसका मतलब आपका स्टेबिलिटी बढ़ा है क्या ये और स्टेबल हो सकता है आंसर है हाँ देखो अभी ये टू डिग्री कार्बोकटाइन है ना अब आपको दिख रहा है यहाँ पे शिफ्टिंग का सहारा ले सकते हैं अच्छा आप बोलो कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करा दो एक और बार देखो ऐसा हो नहीं सकता मैंने क्या बोला रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन क्या है रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए ये आपका रिंग है ये डायरेक्टली अटैच कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव अभी नहीं है अभी यहाँ पे एक और बार रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता है तो मैं सोचा शिफ्टिंग का कहानी देखो मैंने बोला यहाँ पे हाइड्रोजन है अगर आप यहाँ पे वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करो तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो ये कार्बो का टाइम टू डिग्री से थ्री डिग्री बन जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो आपके पास यहाँ पे कार्बो का टाइम कुछ ऐसा है ना यहाँ पॉजिटिव है मैंने बोला काम करते हैं भाई यहाँ पे ना हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं इसको वन बोलेंगे इसको टू यहां पे करते हैं वन टू हाइड्राइट शिफ्ट तो ऐसा करने से आपके पास क्या होगा देखो जब आपके पास वन टू हाइड्राइट शिफ्ट होगा कहानी क्या होगा जो आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जो आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइट तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट करेगा इसका पॉजिटिव खत्म होगा और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम में आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है कि नहीं पहले वाला कार्बो का टैन टू डिग्री कार्बो का था बाद वाला कार्बो का टैन थ्री डिग्री कार्बो का है स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है अब देखो आपके पास क्या फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है हाँ हो सकता है रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया यहाँ पे आपके पास रिंग एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी है क्या होगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के यहाँ पे आ जाएंगे नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव देखो मैं ना हमेशा क्या करता हूँ जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उसको वन देता हूँ उसके बाद देखो जिस तरफ से मैं बॉन्ड को खुलता हूँ ना उसके उल्टे तरफ से नंबरिंग करता हूँ ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव आपके पास फाइव मेंबर रिंग बनेगा तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है करवा लेते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे देखो फाइव मेंबर रिंग बनेगा नंबरिंग जैसे मन जाय कर दो तो, वन टू थ्री फोर फाइव देखो यहां पे क्या हुआ जो बॉन्ड पहले आपका कार्बन नंबर टू एंड फाइव के बीच में था वो बॉन्ड अब आपका कार्बन नंबर वन एंड फाइव के बीच में बन गया कार्बन नंबर टू का आपके पास नुकसान हो गया उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा अब देखो यहां पे क्या हो रहा है ना आपके पास वन वाले कार्बन के ऊपर फाइव मेंबर रिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है ना जो आपके पास वन वाले कार्बन के ऊपर फाइव मेंबर रिंग है वन वाला कार्बन उस फाइव मेंबर रिंग का पार्ट है देखो पहले क्या हुआ था ना यहां पे आपके पास वन वाले कार्बन पे फोर मेंबर रिंग था लेकिन ये फोर मेंबर रिंग का पार्ट नहीं था वन वाला कार्बन क्या कह रहा हूं मैं पहले देखो आपके वन वाले कार्बन पे फोर मेंबर रिंग था लेकिन फोर मेंबर रिंग का पार्ट नहीं था वन वाला कार्बन वन वाला कार्बन फोर मेंबर रिंग का पार्ट नहीं था यहाँ पे आपके वन वाले कार्बन के ऊपर फाइव मेंबर रिंग है लेकिन फाइव मेंबर रिंग का पार्ट है वन वाला कार्बन तो ऐसे बनेगा फाइव मेंबर रिंग समझ आया वापस बता रहा हूँ वन वाले कार्बन के ऊपर फाइव मेंबर रिंग है लेकिन वन वाला कार्बन फाइव मेंबर रिंग का पार्ट है पुराने वाले केस में वन वाले कार्बन के ऊपर फोर मेंबर रिंग था लेकिन वन वाला कार्बन फोर मेंबर रिंग का पार्ट नहीं था अगर आप चाहो यहां पे कार्बन गिन लेना यहां पे कार्बन बराबर आने चाहिए दोनों में ठीक है तो यह आपका बनेगा अब देखो यह आपका बना कार्बो कटाइन का यह आपका रीअरेंजमेंट हुआ चेक करोगे क्योंकि आपको चेक करना है आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट द स्टेबिलिटी शुड इंक्रीज तो क्या यहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है देखो पहले पे फोर ये यहाँ पे फाइव पे दूसरा रिंग फोर मतलब स्टेबिलिटी तो भाई साहब इंक्रीज किया है इसका मतलब ये मोर स्टेबलेंजमेंट हो जाएगा एक बात सुनो अगर बायचानस यहाँ पे टू डिग्री कार्बो का टाइन था ना अगर बाय चांस यहाँ पे भी आपके पास टू डिग्री कार्बो का टाइम बन रहा होता और आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ केस होता कि आपके पास यहाँ पे पहले टू डिग्री कार्बो का है रीअरेंजमेंट के बाद भी टू डिग्री कार्बो का ही बन रहा है कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है लेकिन आपके पास रिंग एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी है तो आपका ये वाला रीअरेंजमेंट नहीं होता नहीं होता आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि भाई साहब चलो यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी नहीं इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है ऐसा नहीं चलता मेरा बात समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या समझा रहा हूं हर एक स्टेप के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहिए अगर ऐसा होता है कि एक स्टेप के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं करता है और दूसरे स्टेप में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है नहीं चलेगा देखो मेरे पास टाइम काफी कम है काफी कम टाइम में पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाना है इसलिए मैं आपको सफिशियंट एग्जाम्पल नहीं दिखा पा रहा हूं लेकिन मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो अच्छा क्या यहाँ पे फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या यहाँ पे फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है मैं बोलूंगा हां यहां पे फर्दर रि अरेंजमेंट पॉसिबल है आप ही कैसे मैं बोलूंगा ध्यान से देखो भाई रिंग रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव क्या कह रहे हो रिंग रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव रिंग एक्सपेंशन अभी भी हो सकता है नंबरिंग कर तो देखो इस नंबरिंग को मैं डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाइट से दिखा रहा हूं व्हाइट वाली नंबरिंग को फॉलो करना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मेंबर रिंग बनेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे जो बॉन्ड आपके पास कार्बन नंबर टू एंड सिक्स के बीच में है वो बॉन्ड आपके पास कार्बन नंबर वन एंड सिक्स के बीच में बन जाएगा वापस यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है ठीक है अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो सिक्स मेंबर रिंग बनेगा नंबरिंग जैसे मर्जी कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहले आपका बॉन्ड था बिटवीन कार्बन नंबर टू एंड सिक्स अब आपका बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर वन एंड सिक्स नुकसान हुआ कार्बन नंबर टू का पॉजिटिव आएगा अब देखो यहां पे देखो कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर वन दोनों कॉमन है और दोनों को कॉमन लेके आपको एक फाइव मेंबर रिंग बनाना है बात समझ आ रहा है कि नहीं कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर वन कॉमन है दोनों कॉमन लेके आपको फाइव मेंबर रिंग बनाना है बना लेते हैं दोनों को कॉमन लेके मैंने यहां पे फाइव मेंबर रिंग बना दिया अब आपको चेक करना है कि रीअरेंजमेंट के बाद आपका स्टेबिलिटी बढ़ा तो यहां पे देखो आपका जो रिंग है ये आपका पहले फाइव मेंबर था अब बाद में ये आपका सिक्स मेंबर बन गया इसका मतलब आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज किया है रिंग पहले आपका फाइव मेंबर था बाद में जाके सिक्स मेंबर बन गया इसका मतलब यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज किया है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा अब ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बो कटाइन है क्या है तो देखो यहां पे आपके पास क्या बना देखो ये आपका जो कार्बो कटाइन बना है ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बो है कैसे देखो कुछ ऐसा बना है ना ये आपके पास है और यहाँ पे आपके पास एक फाइव मेंबर रिंग अवेलेबल है और यहाँ पे पॉजिटिव है ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बो कटाइन है देखो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज हो रहे हो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप समझो आपको देख के लग रहा होगा ये जो आपका कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपका ब्रिज हेड कार्बन ये वाला होता है ये कार्बन आपका ब्रिज हेड कार्बन है ये नहीं है भाई ब्रिज हेड कार्बन के लिए ब्रिज तो होगा ना ऐसा मत सोचना ये ब्रिज हेड कार्बन है ठीक है उसके बाद क्या होगा मोस्टेबल कार्बो का के ऊपर हेलोजन का अटैक होगा प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है देखो मुझे पता है काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रहा होगा अगर दिक्कत आ रहा है लेक्चर को वापस देखो उसमें ज़रा भी मत हिचकिचाओ ऐसा नहीं मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहता हूँ वैसे भी चैनल मेरा नहीं है वॉच टाइम से मुझे फ़ायदा नहीं होगा मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं ना आपका मेंस के साथ साथ एडवांस का भी एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे समझ आ रहा है क्योंकि हम लोग का फाइनल एम तो एडवांस है ये बात समझ आ रही है ना आपको तो अगर आपको लेक्चर में दिक्कत आ रहा है देखो इसलिए मैंने क्या किया इनिशियल के लेक्चर्स को बहुत धीमा रखा ताकि मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर दूँ लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लेक्चर का पेज बढ़ेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो मैं कॉन्टेंट भी ना काट कम टाइम में सिखा दूँ एग्जाम्पल्स डालू तो हल्का तेज रखना पड़ेगा यार तो ये समझ आया आपको मैं वापस बोल रहा हूँ दिक्कत आया तो एक तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में किस पोर्शन में दिक्कत आ रहा है उस पोर्शन को मैं अपकमिंग लेक्चर में वापस आराम से धीमे धीमे बताने की कोशिश करूंगा नहीं तो आप क्या करो नहीं तो आप लेक्चर को वापस देखो सबसे बेस्ट है समझ आया तो देखो यह आपका केस हो गया रिंग एक्सपेंशन का ऐसे देखो बात कर लेते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन का हालांकि दिखता नहीं है ये। बहुत ही बेसिक लेवल पे बात कर लेते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन का यह आपको नहीं दिखने वाला है मीन्स में एडवांस में भी नहीं दिखता बहुत कम दिखता है जैसे कि मानो आपके पास ऐसा कोई कार्बो कटाइन को है ठीक है अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा काम करूँ यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा काम करूँ क्या काम करूँ बताओ कि देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ ना ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है मैं कलर चेंज करता हूँ ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर अटैक करा दो क्योंकि आपको पता है मेंबर रिंग थोड़ा छोटा सा है थोड़ा स्ट्रेंड है तो मैं क्या करूँगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खोल के इस कार्बन के ऊपर अटैक करा दूंगा या आप इसको ऐसे समझ लो नंबरिंग कर लो वन टू थ्री फोर तो जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर थ्री एंड फोर के बीच में था वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर वन एंड थ्री के बीच में आ जाएगा जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर थ्री एंड फोर के बीच में था वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर वन एंड थ्री के बीच में आ जाएगा ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे थ्री मेंबर रिंग बनेगा ठीक है अब देखो नुकसान किसका हुआ नुकसान हुआ कार्बन नंबर फोर का तो उसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा अब आप बोलोगे कि बेसिक कंडीशन होता है रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए आप बोलोगे यहाँ पे फोर मेंबर रिंग था मानता हूँ फोर मेंबर रिंग में स्ट्रेन था लेकिन भाई साहब फोर मेंबर रिंग में थ्री मेंबर रिंग के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही स्टेबिलिटी था ना अरे हाँ की ना आप बोलोगे भाई साहब मैं आपकी बात मानता हूँ कि यहाँ पे फोर मेंबर ड्रिंक था लेकिन हमारा फोर मेंबर ड्रिंक स्ट्रेंड होता है लेकिन हमारे फोर मेंबर ड्रिंग में थ्री मेंबर ड्रिंग के कंपैरिजन में तो कम ही स्ट्रेंड होगा ना हमारा फोर मेंबर ड्रिंग थ्री मेंबर ड्रिंग से ज़्यादा स्टेबल होगा ना तो आपके हिसाब से क्या होगा आप कहोगे ये ज़्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे बड़ा रिंग है यहाँ पे छोटा रिंग है मैं बोलूँगा रुको अभी मैंने आपको पीछे बताया था साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन जब भी आपके आंखों के सामने ये साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल आए दिमाग में आना चाहिए डांसिंग रेजोनेंस तो भाई साहब ये डांसिंग रेजोनेंस का फिनोमेना इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसका मतलब जान के आश्चर्य होगा लेकिन यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट के बाद वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रीअरेंजमेंट के पहले वाला कार्बोकटायन तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो यहां पे आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा ठीक है यहां पे जाके हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ हमने कार्बोकटैन के स्टेबिलिटी के ऊपर बात कर लिया कार्बोकोटैन के रीअरेंजमेंट के ऊपर बात कर लिया रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैक्सिमम केसेस में शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट काम आएगा कभी कभार रिंग एक्सपेंशन काम आएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन ना के बराबर काम आएगा ठीक है अगर आपको दिक्कत है लेक्चर को वापस देखना आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट उसको भी एक बार देख लेना ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में जहाँ पे हमारा कार्बो कोटाइन का फॉर्मेशन होता है उसको देख लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोनाइन के बारे में उसके बाद शायद हम एसिड बेस के बारे में बात करके अपने इनोलेट केमिस्ट्री पे जम कर जाएंगे अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आपके पास जेई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंट के आपको चैप्टर वाइज पी मिल जाएंगे मेरे चैनल का नाम है ईजी केमिस्ट्री जेई नीट आपको उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप उसे डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं आप यूट्यूब के ऊपर जाके लिखेंगे ईजी केमिस्ट्री जे यूनिट मेरा चैनल आ जाएगा एक चीज़ देखना हो सकता है जब आप मेरे चैनल को देखो तब मेरे चैनल का नाम ईजी केमिस्ट्री जे यू ना कि ईजी केमिस्ट्री जे यूनिट फर्क नहीं पड़ता मेरा ही चैनल है मैं नाम को चेंज करते रहता हूँ ठीक है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं हम अपने चैनल में फाइव के सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू